हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिटेक्टिव सत्यम चैनल में। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। मैंने फ्लिपकार्ट से बिग शॉपिंग डेज के सेल में मंगाया था, ट्राईपॉड है ये। मैंने लगभग 319 रुपये यानी 319 रुपीज़ का मंगाया था। यहाँ पे आप MRP देख सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं। चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, दफ्ती वाला बॉक्स है जो कि कोई खास हमें देखने को नहीं मिलता है। तो फटाफट देखते हैं कहाँ से इसे ब्रेक करना है। तो यहाँ से हम इसको फाड़ते हैं। दफ्ती से पैकिंग की गई है जो कि कोई खास अच्छी इनकी पैकिंग नहीं है। यहाँ से हम इसके सील को ब्रेक करते हैं। देखिए दोस्तों, सील पैक है, देख सकते हैं। जैसे आप उतनी अच्छी खास पैकिंग नहीं की गई है। देखते हैं इसके अंदर कैसी पैकिंग है। देखिए आप, ये काला बॉक्स आप देख सकते हैं, काले रंग का बॉक्स है ये, जैसा कि देख रहे हैं निकलता हुआ ट्राइपॉड। इसकी कुछ हाइलाइट्स मिल जाती हैं आपको कि ये 1020 मिलीमीटर तक लंबा हो सकता है, 350 मिलीमीटर तक ये इसको बंद कर सकते हैं आप, ऐसे किलो वजन सह सकते हैं। इसका मॉडल है ट्राइपॉड 3110, थ्री वे हेड है, बिल्ड लेवल है, फोर सेक्शन है और कुछ दिए गए हैं क्विक लॉक सॉक्स। तो चलिए बॉक्स के सामने हम देखते हैं। ये है ऐसा कुछ बॉक्स, पीछे भी कुछ खास दिया नहीं गया है, आगे ब्लैक, पीछे भी ब्लैक। तो चलिए यहाँ से हम इसे खोलते हैं, देखते हैं क्या हमें कवर मिला इसका ब्लैक कलर का। हाँ, जैसे देख सकते हैं ठीक ठाक पैकिंग की गई है, ब्लैक कवर मिला है। वैसे उतना ये अच्छा नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन चलिए तब भी ठीक है। पहले इसको हम खोलते हैं। सबसे पहले आपको ये मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है जो ऐसे करके फिट किया जाएगा। फिर इसे रखते हैं साइड और निकालते हैं मेन हमारे ट्राइपॉड को, जो कि ये रहा ट्राइपॉड, जैसे कि देख सकते हैं आप। मोबाइल होल्डर मिलता है जो कि काफ़ी छोटा है लेकिन आपके मोबाइल में फिट हो जाएगा। मैं अभी लगा के आपको दिखाता हूँ, यह मेरा मोबाइल, इसे थोड़ा आपको ताकत लगानी पड़ेगी। और ये ध्यान रखिएगा कि बटन के पास ना आए, क्योंकि बटन इस तरह ऑन ऑफ हो जाएगा। देखिए एकदम सटीक फिट हो गया, कोई हिंडुल नहीं रहा। तो गाइस हम इसको देखते हैं, इसको मैं इसकी फुल साइज दिखाता हूँ। इसके लिए पहले आपको अपने ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे ये मोबाइल होल्डर लगेगा इसका, जैसा आप ये स्क्रू देख रहे हैं ये वाला, इसमें कस दिया जाएगा। और कैसे कसा जाएगा, ना हिले इसलिए यहाँ ये पकड़ा जाता है, इसको हाथ से पकड़ा जाता है और ये इसको घुमाया जाता है तो टाइट हो जाता है। ये इसकी एकदम एटलीस्ट यानी नॉर्मल साइज है, एकदम छोटा। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ फुल साइज। बड़ा करने के लिए पहले आपको ये तीन हुक दिख जाएंगे, जैसा भी आप जो भी कहें, पहले इन सबको ऐसे आराम से खोलना पड़ेगा आपको। पहले आप इन्हें फुल साइज में खोल लीजिए, उसके बाद ऐसे तो ये अंदर चला जाएगा, इसलिए इसको ये लॉक लगाना पड़ेगा। इस तरह करके ऐसे हल्के हाथ से दबा दीजिए, देखिए फुल करिए, दबा दीजिए। और ये तो बहुत जरूरी है यहाँ का लॉक, ठीक ऐसे हमें तीनों में करना है। इसको ऐसे इसका लॉक खोलिए, फिर इसका लॉक खोलिए, ऐसे पूरा लॉक खोल लीजिए और फिर ऐसे करके बंद कर दीजिए। सेम इसको भी करना होगा। इसका खोलिए, ऐसे खोलिए, ऐसे और ऐसे। देखिए गाइस, ये है अभी इसकी पूरे इसकी पायल जो तीन है इसकी साइज। अब मैं इसको भी बढ़ाता हूँ,
या इससे घूमता है ये जो देखना पड़ा, इससे इसको आप रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आगे हम देखते हैं, ये है इसका एक, ये कसने के लिए ये भी ये ऊपर जा सकता है इससे। मैं आपको इसकी फुल साइज दिखता हूँ, यही इतनी इसकी फुल साइज है, ये रही आपकी फुल साइज। तो गाइस अब हम ये अपने मोबाइल होल्डर को कसते हैं। तो देखिए ये है, आप ऐसे इसको ऊपर कर लीजिए और इसको पकड़ लीजिए, उसके बाद ऐसे इसको घुमाइए आप। मैं या क्लॉक वाइज हो सकता है या एंटी क्लॉक वाइज घुमाने वाला हो सकता है। मैं आपको शायद हमारा क्लॉक वाइज है, मैं इसको घुमा के दिखाता हूँ। ये मेरा कस चुका है, अब मैं इसे कैसे भी चाहूँ ये ऐसे रख के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, और मैं कस सकता हूँ इसको रोटेट कर रहा है जितना चाहे। आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे करके पीछे का रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे करके नीचे से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। पूरा 360 डिग्री रोटेशन है, और ध्यान से करिएगा, ज़्यादा इसमें जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये हो सकता है टूट जाए। तो बस देखने के लिए शुक्रिया। अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। बगल में आपको लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए, फिर बगल में आपको घंटे का बटन दिखेगा, उस घंटे को बजा दीजिए ताकि मैं जब नए वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।